ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਝੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣਨ ਚਾਹਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣਾ ਆਣ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਝੱਜ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਏ ਹੈ तो आप लोग तो हमें ये बोल रहे थे कि ये तो कानून किसानों के फायदे में है, तो आज हमें बताइए कि उन कानूनों का क्या फायदा था? अगर वो कानून सही थे, अच्छे थे, तो मोदी सरकार ने वापस क्यों लिए? जेरे आज जो ना बीच इन्वॉल्व हो रहे उन्होंने भी गलती है। असी उन्होंने भरावान भी बेनती करेंगे वे गलत काम ना करो। मोदी सरकार रोज एक तो एक नवा कानून ले आंदी है। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह भाजपा विधायक के बेटे की मीटिंग का विरोध कर रहे संयुक्त मोर्चा के लोग हैं। अब ये लोग क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आइए जानते हैं, इन्हीं से बातचीत जानते हैं। तो आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? आज जेडी किसानों के दुश्मन है बीजेपी के बंदे पंजाब के गोझे चल के अज ग्राउंड लैवल तो उठ के छत्तां दे उपर प्रोग्राम करन लगे आ। सो असीं कहना चाहते हैं कि साढ़े 750 किसान शहीद करा के एक साल किसानों नूं बार्डरां ते बिठा के तुसीं पंजाब दे हमदर्दी बनना चाहते हो? असीं इन्हां नूं हमदर्दी नहीं बन देना। सानू जो मर्जी करन, असीं पूरे रोपड़ दे विच, पूरे पंजाब दे विच इन्हां डट के जिहड़ा बीजेपी दे बंदिआं दा विरोध करांगे जी। ठीक है, और क्या क्या आप लोग हुआ है? हमारा पूरा डटा है। इकबाल सिंह लालपड़े का बेटा अजय वीर सिंह छत के उपर आके मीटिंग लोगों के नाल कर रहा है। असं इन्हों कहना चाहते ग्राउंड लैवल से उतर के आओ, थोड़ा दसीए तुम साल एक साल किसानों बार्डर से बिठा के 750 साढ़े वीर भैन भरा बजुर्ग बजुर्ग जो शहीद किए हैं, सानू उन्होंने हिसाब दो, सानू उन्होंने हिसाब दे, फिर तुम पिंड बन चुके हैं। दुश्मन है साढ़े पंजाब के दुश्मन है, देश के दुश्मन है बीजेपी सरकार। अब ये मीटिंगें जमीन की बजाय छत पर या बंद कमरे में क्यों हो रही है? छत पे ये देख लो, इन्हें इतनी हरकत खोजिया है, ये ग्राउंड लेवल उठ के हम छत के गेट ला ले, देखो ये गेट ला के मीटिंग कर रहे हैं। असं इन्हों की चाल चलनी चाहिए, आज गेट ला के इन मीटिंग करनी शुरू कर दी। ये बीजेपी सरकार आने वाले टाइम के अंदर बढ़ के बेडरूम के मीटिंग कर के असं इन्हों ओपन कद भी मीटिंग नहीं कर देवे। चलिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की चौखट को छोड़कर अब पंजाब की हर हलके में जा जाकर गली कूचे में भाजपा का विरोध करना शुरू कर दिया है। यह असर शायद दिल्ली की तख्त को हिलाने में और पंजाब की सरकार को बदलाव में मददगार होगा। यह किसान मोर्चा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। शर्म करो, अपना नाम बताइएगा और क्यों खड़े हैं? मैं किरती किसान मोर्चा रोपड़ इकाई पिंड बड़बर करनैल सिंह, जो कि 750 किसान बीजेपी ने शहीद किया मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर, अज आके कोठे पर चढ़ के मीटिंग कर रहे हैं, थले ग्राउंड छड़ के उपर जा रहे ने और सामना आण तो परसों चैलेंज करके आए उसे झज चौंक से, हूँ सामना आ के थले मीटिंग करे तो स्वाद आता है, दूर उपर लोग के बैठ के मीटिंग करता कोई फायदा नहीं। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपके सामने बैठ कर नीचे मीटिंग करें अगर मीटिंग करना है? और सब तो बड़ी गल है साडा इन्ने जाम शहीद होने के बावजूद ये फिरते अज पिंड लालपरी अजे इन्ना तगड़ा तो पहला मोदी ने क्यों नहीं रोकया? जब लालपरी नूं पता मैं वोटा च खड़ना, वो मोदी सरकार नूं क्यों नहीं बोलिया पहला भी साढ़े इन्ने किसान शहीद हो गए तू बस कर दे? जबकि ये उदो बोलता तो साढ़े 700 किसान शहीद होने तो बचते, जे लालपरी साढ़े ना हमदर्दी होती, लेकिन हूँ तो उन्होंने हमदर्दी साढ़े नाल क्या है, उन्होंने रोड़ू आने का पता वे मेरे नाल की हो चुके आ, हूँ भी उसके नाल वो हाल होगा जो रोड़ू आना किया वो किरती किसान मोर्चे ने रोड़ू आना भी उसके सलूक किया, अज भी असं ये सलूक करा, उन्होंने शक नहीं होनी चाहिए पर मैं लुक मुच के ये खेल खेल लग पाया, खेल नहीं जानी बहुता जिनी खेल होती अल्लाह उन्होंने खुले ही चैलेंज आऊँ, असं जितने भी हो जाऊ बीजेपी सरकार असं मगरू का जाने ही जाना। सब तो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल करके ही है, लोग चनाबा नू पै गए लेकिन असी ये चनाब तो उल्ट है,
कोई भी भाई जनाब बिच ना हिस्सा लेवे जान बुझ के मोदी सरकार दे भगत जिहड़े उपर जा रहे ने ये शर्म आनी चाहीदी भई साडे मजदूर शहीद किसान किन्ने शहीद हो गए जिहड़े अज उहनां विच इनवॉल्व हो रहे उहनां दी भी गलती है असीं उहनां भरावां नूं भी बेनती करांगे भई गलत काम ना करो। मोदी सरकार रोज़ एक तो एक नवा कानून लियांदी है पंजाब पहले 50 किलोमीटर एरिया वंड दिता है असीं इस नूं पूरा नहीं होण दवांगे इहदे मिशन। चलिए तीन कानून वापस लेने के बाद भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो किसान हैं एक साल से ज्यादा समय दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे हैं उनके बैठने का कारण ये है कि जो जहां पे वर्कर हैं ये उनको फुल सपोर्ट दे रहे थे और हमें बोल रहे थे कि ये कानून रद्द नहीं होंगे किसानों के फायदे में है। आज हम इनको पूछना चाहते हैं कि अगर मोदी ने वो कानून रद्द कर दिए हैं तो आप लोग तो हमें ये बोल रहे थे कि ये तो कानून किसानों के फायदे में है तो आज हमें बताइए कि उन कानूनों का क्या फायदा था। अगर वो कानून सही थे अच्छे थे तो मोदी सरकार ने वापस क्यों लिए? आखिर एक साल से ज्यादा समय जो किसानों को वहां बैठना पड़ा वो इन लोगों की वजह से किसानों को एक साल से ज्यादा समय लगा। अगर जे लोग पहले से ही अपने किसान भाइयों का साथ देते तो एक साल का समय न लगता खेती कानून रद्द करवाने में। इन लोगों की वजह से जो हमें एक साल से ज्यादा का समय लगा है वो इन वर्करों की वजह से लगा है इसलिए हम इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं जहाँ पे कि आप आगे आने वाले समय में आप लोग अगर लोगों को बेवकूफ बना के वोट की राजनीति करोगे तो वो हम जहाँ नहीं करने देंगे इनको। इसका मतलब आपका ये कहना है कि जो शहादत किसानों ने दिल्ली की चार दीवारी पर इस 383 दिन के आंदोलन में गवाई उनके पीछे कहीं न कहीं इन सब नेताओं का हाथ है। बिल्कुल जी इन सबका हाथ है क्योंकि ये ही लोग थे जिनकी वजह से मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही थी। अगर किसानों ने हर स्टेट में जाके जिलों में जाके लोगों को उठाया जागरूक किया और इनका विरोध हुआ तब जाके इन्होंने मोदी सरकार ने जो तीन कानून है वो रद्द किए हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है पूरी दुनिया में कि कानून बने हैं लेकिन लागू होने से पहले वो कानून रद्द हो गए हैं। सो इसलिए हुए कि किसान आज के जागरूक हैं और इनको लोगों को बेवकूफ नहीं बनाने दिया जाएगा आने वाले समय में। आपका पूरा नाम और परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम वीर सिंह बड़बा प्रधान कृति किसान मोर्चा रोपड़। ये वीर सिंह जी थे, इन्होंने बड़ी सीधी बात कही कि तीन कानून जिसको मोदी सरकार ने वापस लिया वो भी 383 दिन के कड़ी विरोध के बाद। अगर यह विरोध हट गया होता अगर सरकार के नुमाइंदे उनके नेता उनके परिचय देने वाले लोग मोदी सरकार को सही सलाह समय पर देते। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक।